हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक यूनिक सी रेसिपी बनाना शेयर कर रही हूँ। वो सभी लोग अक्सर बनाते होंगे, कढ़ी पकौड़ा। और कढ़ी जो है बहुत ही यूनिक तरीके से, अलग अलग डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं। तो मैं जो बना आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, वो इस तरीके से मेरी मम्मी बनाती हैं, तो वो मैंने उन्हीं से ही सीखा है और बहुत ही मुझे टेस्टी लगती है उनकी बनाई हुई कढ़ी पकौड़ी। तो आप देखिए, मैं उन्हीं से सीख के आपको भी शेयर कर रही हूँ कैसे बनाते हैं। तो उसके रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं फ्रेंड्स, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप प्लीज़ उसे ओपन करके ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी पसंद करते हैं और ट्राई करते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। और फूड अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैं मेंशन कर दूंगी उसको, और वहाँ मैं डेली स्टोरीज लगाती हूँ, डेली कुकिंग की, वैसे फ़न की DIY अपडेट्स देती रहती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चलिए तो देखते हैं कैसे ये रेसिपी बनती है, मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए इंग्रेडिएंट्स, यहाँ 1 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। और ये बेसन लेके मैंने, और ये सारी स्पाइसेस हैं, रेड चिली, हल्दी और धनिया। और यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब दही ले रखी है, फ्रेश दही है ये। और आप घर की जमी हुई दही भी ले सकते हैं या मार्केट वाली भी ले सकते हैं, ये घर की दही है। और अब हम छन्नी लेंगे, छन्नी के अंदर एक बाउल के अंदर बेसन को छान लेंगे। बेसन को अच्छे से छानने से ये होता है कि इसमें चेक भी हो जाता है कि इसके अंदर कोई डर्ट वगैरह तो नहीं है, कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और जो ये गुठलियाँ हैं बेसन की अच्छे से निकल जाती हैं। अब इसी में दही को भी मैं अच्छे से छान लेती हूँ, दही भी लम्प फ्री हो जाती है। इसको भी हम अच्छे से छन्नी में छानेंगे और फिर छन्नी को पानी, थोड़ा पानी एडजस्ट करने के लिए इसमें डालेंगे। और देखिए, थोड़ा पानी मैंने अभी मिलाया है इसके अंदर और फिर बाकी पानी मैं चेक करके बाद में मिलाऊंगी। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि जो ये हम बैटर बना रहे हैं इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहे हैं। देखिए, आप चाहे तो विस्कर से भी इस तरीके से मिक्स विस्क कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी तरह लम्प फ्री बैटर हो जाता है। अब इसके अंदर जितनी स्पाइसेस हैं, रेड चिली, हल्दी और धनिया, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। हल्दी जो है थोड़ा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा डलेगी ताकि ये अच्छा सा कलर आए। अगर आपकी हल्दी थोड़ी कम है या तेज़ है तो आप उसके अकॉर्डिंग डालिए। और यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड करा है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इसको फिर सबको मिक्स करके एक बड़े से पैन के अंदर इस बैटर को मैं डालूंगी और गैस को ऑन कर दूंगी। और फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा से इसमें पानी ऐड करूंगी। कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए आप, इसमें पानी इतना डालिए कि आपका बेसन जो है पूरा अच्छी तरह पक जाए। तो और अब हम यहाँ पे नमक भी ऐड कर देंगे। और नमक ऐड करके पानी डाल के अब हम इसे अच्छी तरह चलाते रहेंगे, खूब चलाना है। कढ़ी का जो मज़ा है वो धीमी धीमी गैस पे और पकते हुए आता है। तो अब जो हम मेरी कढ़ी है ये खट्टी नहीं है, तो मैं इसके अंदर एक आधा नींबू जो है इसको जूस को मैं निकाल दूंगी। ये एक टिप है, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर कढ़ी आपकी जो दही है खट्टी नहीं है तो इसमें आप नींबू ऐड कर दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे कढ़ी तो छाछ से भी बनती है। अब हम बेसन जो है लेंगे 1 कप के करीब। ये बेसन फुल्की बनाने के लिए, जो पकौड़ियाँ हैं उसको बनाने के लिए फेंट रहे हैं। और इसी तरीके से आप फेंटना है खूब अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते करते हम इसको अच्छे अच्छे से फेंटते रहेंगे। जितना फेंटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी पकौड़ियाँ फूली फूली बनेंगी। देखिए, मैं इस तरीके से खूब अच्छे से बेसन को फेंट रही हूँ। इसमें मैंने नमक, हल्दी, मिर्च, वही सब जो मसाले होते हैं वो ऐड कर रखा है बेसन के अंदर, और ना ज़्यादा रनी हो और ना ज़्यादा टाइट हो। और ये देखिए, मेरी कढ़ी भी अच्छे से पक गई है। अब हम सरसों के तेल में बहुत अच्छी पकौड़ियाँ तली जाती हैं और बहुत अच्छा इससे स्वाद भी आता है। अब हम इसमें पकौड़ी डालते जाएंगे, बेसन की पकौड़ियाँ तलेंगे। ये बहुत आधे तो बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं बनते बनते ही।
हम जब छोटे थे तो हमको याद है कि मम्मी बनाती थी तो हम आधे ऐसे ही चखने चखने में पकौड़ियाँ खा लेते थे। अब देखिए सारी मैंने पकौड़ियाँ तल ली हैं और उसको मैं अलग प्लेट में निकाल के रख लूँगी। और बाकी जब ये, अब मैं एक बाउल में पानी लूँगी और इसके अंदर ये पकौड़ी हैं जो इसको मैं इसमें डाल दूँगी, ये भीग जाएंगी। अब हम यहाँ तड़का रेडी करेंगे। इसके अंदर मैंने प्याज, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और हरी मिर्च ली है और ज़ीरा भी और सरसों के बीज लिए हैं। अब हम तेल के अंदर, सरसों में के तेल में ही मैंने तड़का लगाया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत अच्छा टेस्ट उठता है। लहसुन और हरी मिर्चें ये सब डाल के और एक टेबलस्पून मैंने यहाँ जीरा डाला है और फिर थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, ये भी 1 टेबलस्पून के करीब है, और रेड चिली डाल के हम इसे तड़के को अच्छी तरह तड़का लेंगे। अब देखिए ये मेरी फुलकिए जो हैं, पकौड़ियाँ, ये अच्छे से भीग गई। इसमें से मैं पानी निकाल निकाल के इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत टेस्टी बनती हैं पकौड़ियाँ और जो हैं ये जो है नरम रहती हैं। ऊपर से मैं चॉप किया हुआ कोरिएंडर डाल दे रही हूँ। अब बस बिल्कुल पकने के बाद हम जब अब गैस बंद कर देंगे और एंड में हम तड़के के अंदर कश्मीरी लाल चिली पाउडर डालेंगे। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बस इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब देखिए मेरा तड़का रेडी हो गया है। अब मैं इसको कढ़ी के अंदर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स आप ट्राई करिए मेरी रेसिपी को। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर